देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों के साथ एक और बड़ा हादसा हुआ है। शनिवार सुबह उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में प्रवासी मजदूरों से भरी डीसीएम में एक बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे 24 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 22 मजदूर घायल हुए हैं, जिसमें 15 की हालत बेहद गंभीर है। उन्हें सैफई पीजीआई रेफर किया गया है। दरअसल सभी मजदूर एक डीसीएम में सवार थे और उनकी गाड़ी औरैया के नेशनल हाईवे 2 के पास सड़क किनारे खड़ी थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे मौके पर 24 लोगों की मौत हो गई। हादसा शनिवार तड़के 3:30 बजे के करीब हुआ। ये सभी लोग राजस्थान से बिहार और झारखंड जा रहे थे। सीएम योगी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं।